1977 में चौधरी बंसीलाल के समय में बनी तलवंडी रुका माइनर में 30 साल बाद मंगलवार को पानी पहुंचा है, जिसके बाद पानी को तरस रहे क्षेत्रवासियों ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि तलवंडी रुका माइनर रेत के डिब्बों को काटकर बनाई गई है। इस नहर के जीर्णोद्धार से 4 गांव के करीब 21,000 की आबादी को फायदा होगा। इसके अलावा करीब 5,299 एकड़ जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। इन सब में खास बात यह है कि इस नहर को बनाने में लगभग 700 मनरेगा मजदूरों को लगाया गया है, जिन्होंने 1.5 माह में इसका कार्य पूरा किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2018 में इस नहर के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। नहर खुदाई का कार्य मनरेगा योजना के तहत किया गया है। इसमें 90% राशि केंद्र और 10% राशि हरियाणा सरकार ने खर्च की है। केंद्र की ओर से इस नहर के लिए 63.83 लाख का बजट भी भेजा गया। मनरेगा के तहत इस काम पर करीब 37 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। 14 गांव को होगा नहरी पानी का फायदा। तलवंडी रुका माइनर स्याहड़वा हाउस पंप से निकलती है। इस माइनर से स्याहड़वा, तलवंडी रुका, तलवंडी बादशाहपुर जैसे गाँव को फायदा पहुँचेगा। अभी तक यहाँ के किसान बरसाती पानी पर निर्भर थे, पर अब उनको नहरी पानी भी मिलेगा। ये पहले किस तरह के हालात थे और फिलहाल की हालात? देखिए, ये जो है ना 4 गांव की माइनर है जी, तलवंडी रुका, तलवंडी बादशाह, शाड़वा और एक भिवानी जिले में चन्ना गांव है। इसमें पानी करीब 30 साल से शायद पानी नहीं आया, जैसे गांववासी आपको बता रहे हैं। और ये मिट्टी से पूरी तरह भरी हुई थी। और अब आपने देखा कि हमने मनरेगा से हमारे करीब 700-800 मजदूर लगे हुए हैं पिछले करीब 1.5 महीने से, और हमने करीब 6.25 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर इसको सही कर दिया है और आगे करीब 1 किलोमीटर बाकी है जी। अभी तक करीब करीब हमने 40 लाख के आसपास हमारा खर्चा हो गया। लेकिन मेन बात यह है कि ये जो मनरेगा से जो हमने ये काम किया है, ऐसा काम शायद हरियाणा में शायद ना हुआ हुआ पहले। और इससे आसपास के करीब 5,500 एकड़ में इसके पानी की सप्लाई इससे होगी। हमारे इरीगेशन के एससी साहब और चेयरमैन साहब की मदद से, हमने चेयरमैन जिला परिषद की मदद से, और एससी साहब और हमारे एक्शन साहब जो भिवानी में हैं इरीगेशन के, और हमारे जो मेट हैं, गांव के ABPO हैं, गांववासी हैं, सरपंच, इन सब के सहयोग से हमने ये काम किया है जी। और ये अभूतपूर्व काम है और इसमें सबका हमें सहयोग मिल रहा है और शानदार जो ना ये काम है। और पानी बहुत मिलेगा आसपास के जोड़ों में, पानी के लिए उपलब्ध हो जाएगा पानी। और 30 साल से ये बंद पड़ा था, अभी हमने चालू किया है और उम्मीद करते हैं इसको हर साल साफ करके इसको पानी को लगातार मेंटेन करें। क्या क्या परिणाम देखिए इसमें, एक तो फसल चारों तरफ आपको दिखाई देगी, आसपास के जोहड़ में पानी मिलेगा, पशुओं को पीने का पानी मिलेगा और इरिगेशन में इसको आगे सप्लाई करने में जो भी फसल है, ग्वार की है, कपास की है या जो अन्य फसलें, सभी में फ़ायदा होगा। सभी करीब 4 गांव के करीब 20,000 लोगों को इसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा हो रहा है। कितनी एकड़ को सिंचाई हो पाएगी? करीब 5,000 एकड़ में इसकी सिंचाई होगी इन 4 गांवों में। और अगर पूरा पानी जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि हमने खोद दिया है, पानी आ जाएगा तो करीब 5,500 एकड़ में पानी आ जाएगा। अच्छा सर, मनरेगा ही क्यों चुना, JCB से भी? देखो JCB तो था, लेकिन इसके दोहरे 3 फायदे थे मनरेगा के। एक तो हमारे जो मजदूर भाई हैं उनको काम अपने घर के घर में काम मिल गया है, और ये केंद्र सरकार की योजना है, 90% इसका पैसा खर्च होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। यदि हम डिपार्टमेंट से काम करते तो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता। हमने इसका फ़ायदा उठाया, 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का, 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट का, और घर के घर में हमारे मजदूरों को काम मिल गया, हमारे भाइयों को काम मिल गया और बढ़िया एसेट हमें मिल गया, ये इसलिए हमने मनरेगा को चुना है। अच्छा, एक सुनने में ये भी आया है कि सर जब इसकी खुदाई चल रही थी तो बीच में कहीं दूसरी तरफ भी निकल गए थे। देखिए नेचुरल ठीक बात है, क्योंकि 30 साल से था, इसको किसी की अलाइनमेंट का एग्जैक्ट याद नहीं था, तो कोशिश कर रहे थे कि किधर जाएं किधर जाएं। इसके ऊपर 15-15 फुट मिट्टी थी, खोदने के बाद पता लग रहा था कि क्योंकि नीचे पक्का है, दोनों साइड से बढ़िया लाइनिंग की हुई है, वो हम गलत साइड गए तो दोबारा हमने खोद के सही दिशा में चले, क्योंकि 20 साल से बंद पड़ा था, किसी को अलाइनमेंट का एग्जैक्ट याद नहीं था। इनिशिएटिव कैसे आपने लिया, कोई आपको कंप्लेंट? देखिए कंप्लेंट नहीं, ये हमारे जो ना इरिगेशन वाले और हमारे चेयरमैन जिला परिषद, इन दोनों का प्रयास था कि इस इलाके में जो पानी नहीं आ रहा, और साथ में क्योंकि CM साहब की अनाउंसमेंट हो गई थी, उससे हमने ये किया कि इसको कम से कम पैसे में और बढ़िया से बढ़िया हालात में और जल्दी से जल्दी ये काम करा पाएँ। हमारे इरिगेशन के एक्शन भिवानी के और हमारे बाम्बू साहब जो SC साहब हैं
और चेयरमैन साहब हमने डिस्कस करके अल्टीमेटली ये निकाला कि मनरेगा से बढ़िया स्कीम नहीं है जिससे ये काम कर पाए, इसलिए हमने मनरेगा से और जल्दी काम करवाया। कितने दिन में हो जाएगा सर प्रोजेक्ट? देखो हम 10 दिन में 15 दिन में पूरा कर देंगे प्रोजेक्ट। और जहाँ मनरेगा से एक और फ़ायदा हमें मिल रहा है, हो सकता है JCB से जो हमारा एस्टिमेट था वो ज़्यादा का था, मनरेगा से हमें कम करीब 20 लाख का फ़ायदा हो रहा है हमें करीब करीब। पैसा अभी तक 37 लाख के आसपास हम खर्च कर चुके हैं, शायद 4-5 लाख का पैसा और खर्च होना है, 42-45 के आसपास। JCB से कितना बना था? JCB के साथ करीब 63-65 लाख का उम्मीद थी हमें खर्चा होगा, तो उसमें भी हमने 20 लाख करीब बचाया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।